गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। और गाइस जैसे कि आपको पता है लास्ट वाली वीडियो में मैंने बनाया था शुगर केन फार्म, जहाँ से मुझे शुगर केन भर भर के मिल रहा था। वो मैंने इसलिए बनाया था ताकि मैं अपना आर्मर इंजेंट कर सकूँ, और इंजेंटिंग के लिए गाइस मेरे को चाहिए थी बॉक्स। अब गाइस मैंने सुना था एक ब्लेजर होता है जिसका नाम होता है क्या कहते हैं लाइब्रेरियन। गाइस वो लैक्ट्रन से बनता है, और गाइस वो हमें पेपर के बदले एमरल्ड देता है, इसलिए गाइस एमरल्ड फार्म बनाने के लिए, और गाइस बुक भी देता है गाइस वो इंचेंटेड। तो गाइस मैं अब एक बनाने वाला हूँ टाउन हॉल, जहाँ पर गाइस मैं जितने भी विलेजर्स ला सकता हूँ उतने लगूंगा, क्योंकि गाइस मेरे पास इतना आलू पड़ा है कि मैं 10-12 विलेजर्स तो आराम से क्राफ्ट कर सकता हूँ, मतलब ब्रीड कर सकता हूँ। तो गाइस जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले मैं इस जगह को गाइस मैंने सेलेक्ट कर लिया, और गाइस इस जगह पे मैं बनाने वाला हूँ पिलर्स। और गाइस ये कितना अच्छा लेक बनाया मैंने। तो गाइस इस जगह पे बनाने वाला हूँ मैं पिलर्स, और गाइस पिलर्स के लिए मेरा वुड तो है, तो गाइस जल्दी से पिलर्स विलर्स का काम भी ख़त्म करते हैं और फिर गाइस मेन वर्क पर आते हैं। गाइस मैं ना आपको ऐसे नहीं दिखाने वाला बनाते हुए, मैं आपको पूरा बनाकर फिर दिखाऊंगा, ताकि गाइस आपको टूर देने में मज़ा आए, वरना गाइस थोड़ा थोड़ा करके दिखाता रहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो गाइस जल्दी से मैं पूरा बना लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने सारे के सारे पिलर्स भी बना लिए हैं, ये देखो कुछ इस टाइप से लग रहे हैं। गाइस वहाँ पर कुछ जल रहा है, बेचारे की मदद नहीं कर सकता मैं। तो गाइस ये जितने भी पिलर्स मैंने बनाए हैं, अब इनको कनेक्ट भी करना है कुछ इस टाइप से, मैं आपको दिखाता हूँ इनमें इनको कनेक्ट। और गाइस मेरे पास देखो कितना सारा सामान है, अलग अलग तरह के वुड्स है। और गाइस मैंने अभी अभी जो मैं क्या कहते हैं ये जो मेरे पास स्टोन ब्रिक्स हैं गाइस, तो गाइस अभी जो है मैं पिलर्स बनाने स्टार्ट कर रहा हूँ। बस ऐसे करके हमें लगाने होते हैं और पिलर्स ऐसे ही बन जाते हैं। और गाइस मैं इसको पूरा जल्दी से तैयार कर लेता हूँ, फिर मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि मैंने कैसे बनाया है इसको, सही है। तो गाइस अभी जो है मैंने काफ़ी सारी ट्रेडिंग करी है, और थोड़ी बहुत ट्रेडिंग के लिए मैं और पेपर लेकर जा रहा हूँ। गाइस बड़ा मुनाफे वाला काम है, एमरल्ड तो देखो ज़रा। गाइस थोड़े बहुत मैंने ये इंजेंटेड बुक्स भी लिए हैं और थोड़ी बहुत बुक्स भी लिए हैं। और गाइस ये देखो मैं आ चुका हूँ इनके पास। इन दोनों को पता नहीं गाइस काम क्यों नहीं मिला, वरना मैंने तो सबको काम देने की कोशिश करी थी। और गाइस ये देखो मेरा आर्मर थोड़ा बहुत इंजेंट भी है। तो गाइस अभी इन पेपरों को लेकर जाते हैं और उनसे गाइस और ज़्यादा क्या कहते हैं ट्रेडिंग करते हैं। तो ये देखो गाइस ये बुक्स दे रहा है, ये भी बुक्स दे रहा है, ये भी बुक्स दे रहा है। हाँ गाइस ये भी बुक इसी दे रहा है। ये कोई ऐसा होना जो गाइस जो पेपर के बदले एमरल्ड दे रहा हो। और गाइस मेरे को ये आला मिल चुका है शायद। अरे यार कैसे हैं यार, इन सबसे ट्रेडिंग कर ली गई मैंने गाइस, ये इनमें से कोई भी नहीं दे रहा मेरे को भाई तू दे दे। हाँ गाइस ये मिला, ये देगा मेरे को, लेकिन अरे कोई कम पैसों में देना गाइस वो अच्छा ही रहेगा। और गाइस ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं। ये देखो ये दे रहा है फेदर फॉलिंग 2। गाइस से पता नहीं क्या होगा, शायद हम हवा में उड़ने लग जाएंगे, ऐसा ही कुछ होगा। गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये फेदर फॉलिंग से क्या होगा। और गाइस यहाँ देखो कितने सारे गोलम स्पॉन हो गए भाई साहब, गोलम ही गोलम। और गाइस यहाँ पर देखो ये थॉर्न्स दे रहा है, और काफ़ी अच्छी चीज़ है गाइस, थॉर्न्स लगाने चाहिए। और गाइस इनसे मैं अब थोड़ी बहुत बुक भी ले लेता हूँ, क्योंकि पेपर में लाया हूँ, अगर एमरल्ड की कमी हुई तो गाइस मैं वापस कर लूँगा, मतलब और ट्रेडिंग कर लूँगा। गाइस ये है मेन अल्टीमेट एरिया, मतलब क्या मतलब ये एक ऐसा एरिया जहाँ पर आपको सिर्फ पेपर से ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर और भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप गाइस देखते जाओ कितने ज़्यादा एमरल्ड हो जाएंगे। गाइस ये देखो ज़रा मेरा गाइस पेपर ख़त्म। गाइस ये मेरा दूसरा ब्लेजर का इसके पास भी ख़त्म हो चुके हैं जितने भी एमरल्ड्स थे, बेचारा परेशान हो गया, बोले कौन आ गया इतने सारे लेने के लिए भाई। और गाइस ये मेरे को बुक क्यों नहीं मिल रही भाई, अच्छा इसके लिए एक और बुक भी चाहिए होगी। और कोई यहाँ पर बुक दे रहा है यार, बुक दे रहा है, अरे बुक के बदले नहीं बुक दे रहा है क्या। गाइस इससे थोड़ी बहुत ट्रेडिंग ही कर लेते हैं। और कहीं एमरल्ड देखो ज़रा भर गए एमरल्ड मेरे पास पूरे भर गए। और गाइस मेरे पास इतनी सारी इंजेंटेड बुक्स हैं, और भी ले लूँगा गाइस इनसे भर भर के इंजेंटेड बुक्स। सबसे मेन होती है गाइस मेंडिंग शायद, क्योंकि इससे फिर आपका टूल कभी टूटेगा नहीं। तो गाइस मेंडिंग, थॉर्न्स और शार्पनेस, शार्पनेस बहुत अच्छी होती है अगर आप हमने वेपन्स पे लगाओ तो।
और फॉर्च्यून वगैरह भी अच्छी होती है। और गाइस मैंने कहा इतना ज़्यादा मालूम नहीं है जितना ये मालूम है उतना बता रहा हूँ। वह यहाँ देखना पूरी भरमार, ये तो यार सारे बुक्स दे रहे हैं। और गाइस ये देखना बुक कैसे दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है सच में हाथ है उसके, ऐसे एक हाथ से ऐसे दिखा रहा है, चाहिएगा। और गाइस देखो मैंने यहाँ पर इनका बेड थोड़ा सा अलग करा है, दोबारा से गाइस मैं इनका बेड सही करूँगा। मतलब वही जो आपको वॉल नज़र आ रही है ना अलग सी, इसको भी गाइस मैं ठीक करूँगा। मैंने गाइस जो एक्स्ट्रा बेड लाए थे वो तोड़ दिए, और गाइस वॉल मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि गाइस उस दूसरी साइड पर गाइस थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वो सही हो जाएगा। अभी गाइस मैं अपने घर पर आ रहा हूँ दोबारा से, ताकि मैं थोड़ा बहुत सामान शॉटिंग पॉटिंग कर सकूँ। और गाइस ये देखो यहाँ पर भी मेरे पास कुछ ये हैं, और गाइस मेरे को अभी यहाँ से थोड़ा बहुत सामान चाहिए। एमरल्ड गाइस देखो यहाँ पर भी इतने सारे कौन है, और यहाँ पर गाइस आयरन इंगट भी हैं, और मेरे को चाहिए थे सिंपली बुक्स, तो बुक्स चाहिए और वो भी रख लेते हैं, इसे भी इंजेंट करेंगे। और गाइस मैं अपना सारा डायमंड का सामान भी ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं उसे भी इंजेंट कर सकूँ। और गाइस यहाँ पर मेरी वो आयरन की सॉर्ड है जिसे मैं पहले लेकर घूमा करता था, लेकिन अब तो गाइस डायमंड पे शिफ्ट हो चुके हैं तो आयरन कौन लेके घूमेगा यार। तो गाइस जल्दी से यहाँ पर मैं अपना डायमंड का सामान, तो गाइस अभी जल्दी ही चलते हैं, अपने टूल्स को इंजेंट करते हैं क्योंकि गाइस इंजेंटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस ये है एनविल जो कि गाइस इंजेंट करती है। और गाइस ये देखो मैं आपको मेंडिंग लगाकर दिखाता हूँ, गाइस क्या कूल लग रही है। तो गाइस जल्दी से मैं सारा काम कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने आपको इसका व्यू तो करवाया नहीं था, और गाइस ये व्यू जो है मैं बाद में कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है गाइस मेरी क्लिप्स लीड हो जाती हैं, करप्ट हो जाती हैं, क्योंकि गाइस में लाइट जाने वाली होती है और गाइस जब मैं कर रहा होता हूँ काम। और गाइस ये भी बहुत पुरानी या नहीं कह सकते आप क्लिप, और गाइस में मेरी एक्सपी देखो कितनी ज़्यादा है आप, वरना तो मेरी एक्सपी ज़ीरो हो गई थी जब मैं इंजेंटमेंट कर रहा था, मैंने देखा ही नहीं एचपी भी जाती है। तो गाइस ज़रा आप ये देखो कि ये मैंने इनका घराया बनाया था, मैंने आपको सही से दिखाया नहीं गाइस, ये वॉच टावर बनाया मैंने इनके यहाँ, मैंने आपको पूरा दूर से एक व्यू दिया था, अभी आपने देखा होगा गाइस, इसलिए बनाया था कि जब मैं रेड करूँ गाइस किसी से तो गाइस मैं बस यहाँ से बोलूँ और उनकी ऐसी की तैसी कर दूँ और उन्हें मार दूँ आराम से। तो गाइस जल्दी से अभी यहाँ से नीचे चलते हैं। गाइस नीचे चलने के लिए मैं वाटर बकेट यूज़ कर रहा हूँ, तो ये गाइस मेरे को इतना ज़्यादा बोरिंग लगता है। और गाइस ये देखो यहाँ से देखो नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत, अरे बटन ही नहीं है मेरे पास, बटन हैगा बटन। तो गाइस जल्दी से चलते हैं बाहर, ये देखो गाइस सीढ़ियाँ बनाई हैं मैंने कूल सी। और गाइस दूसरी साइड भी ऐसा ही है, देख लो भले आप, ये देखो दूसरी साइड भी बिल्कुल इज इट इज सेम टू सेम ऐसा ही है। ये देखो मैं अंदर नहीं जाने वाला क्योंकि आपको एक साइड दिखा दी है। तो गाइस यहाँ देखो कितने, और ये तो बहुत सारे विलेजर हो गए गाइस, मुझे ज़्यादा लाया नहीं था इतने गाइस, तो बहुत सारे हो गए सीरियस, ये खुद ही वेट कर रहे हैं गाइस। मैंने इतना कुछ कराया नहीं, मैंने ज़्यादा जितने भी गाइस तकरीबन आलू थे मैंने दे दिए, और आलू की खेती बाड़ी करता रहा और देते रहा, खेती बाड़ी करता रहा देता रहा। तो गाइस सॉरी फॉर दैट, क्योंकि गाइस के पीछे से नॉइज़ आते रहती है, तो गाइस ये बार बार होता रहता है, मैं कट कर देता हूँ, शायद इस बार कट ना हुआ। तो गाइस अभी यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लोर कराता हूँ कि ऊपर वाली जगह पे, तो गाइस ये देखो ट्रेडिंग हॉल है, अल्टीमेट ट्रेडिंग हॉल गाइस, ट्रेडिंग हॉल नहीं कहूँगा। और गाइस अभी मैंने आपको एक चीज़ और दिखानी है जो कि है अल्टीमेट ट्रेडिंग हॉल, जो गाइस छुपा हुआ है, अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन गाइस वो है अल्टीमेट ट्रेडिंग हॉल। गाइस इनके पास मैंने एक बुक भी रखी और लैक्ट्रन भी रखा है, कोई लैक्ट्रन भी गाइस मैंने इन्हीं से लिया है, जो ये गाइस बड़ा सस्ता मिल रहा था, शायद एक एमराल्ड या दो एमराल्ड का मिल रहा था, जो कि गाइस एक लाइब्रेरियन नहीं दे रहा था। ये देखो गाइस ये चाह रहा है मेरी अल्टीमेट ट्रेडिंग हॉल में, गाइस मार नहीं सकता वरना सारे के सारे गाइस वो जो है जितने भी कहते हैं ना इनके आयरन गोलम वो पीछे पड़ जाएंगे। गाइस ये देखो तीनों के पास अच्छे अच्छे वो हैं, वो कोई स्टोन सीरी दे रहा था वो, और ये इन्फिनिटी गाइस ये देखो। वैसे गाइस मैंने ये वक्त हो गाइस मैंने इंजेंटमेंट कर लिए जितनी मैं कर सकता था। और गाइस ये देखो यहाँ पर भी काफ़ी सारे हैं गाइस, इनसे गाइस जीरो जीरो मतलब इनका लेवल जीरो है, अभी मैंने इनसे ट्रेडिंग नहीं करी है। और गाइस ये देखो ये तीनों जो आपको नजर आ रहे थे ना विलेजर, उन्होंने काम ही पता नहीं क्यों करा, और ये इससे तो मैं नीचे गिराऊंगा। और गाइस चलो मैं आपको थोड़ा बहुत ऐसे बाहर से थोड़ा व्यू देता हूँ, बारिश साइड से गया तो गाइस मेरे को मारेंगे। और गाइस मैं आपको एक सीक्रेट वैसे बाहर जाकर दिखाऊंगा, जो है गाइस आपको पता तो अभी नहीं चल रहा होगा, यहाँ पर कूदने में बड़ा मज़ा आता है ऐसे ऐसे करके। और गाइस जिसे बेड पे नहीं सोना वो यहाँ पर सो जाए, यहाँ पर गाइस उनके लिए ब्लैंकेट या फिर आप कह सकते हो फोम बिछे हुए हैं गाइस, उस पर सो सकते हैं। और गाइस जिसे यहाँ बेड पे सोना है वो बेड पे सो जाए। तो गाइस अभी यहाँ से जल्दी से अपन चलते हैं, यहाँ पर देखो काफ़ी सारी बुक्स लगी हुई है, गाइस काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है ये जगह गाइस, ऐसे करके हम यहाँ से जा सकते हैं। और ये देखो गाइस ये कौन सी जगह है पहचानो, और गाइस ये है हमारा सीक्रेट रूम। गाइस बिल्कुल परफेक्ट मैंने वहाँ पर खड्डा करा था कि हमारा सीक्रेट रूम तक आया, सच में गाइस मैंने कोई नहीं देखा था कि मेरे सीक्रेट रूम तक आया, गाइस मेरे को नहीं पता था, लेकिन गाइस आया हमारे सीक्रेट रूम तक बिल्कुल परफेक्टली। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तब तक अगली वीडियो मिलती है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।